आज था हमारे स्कूल में गरबा नाइट, तो उसी के लिए मैं हुई हूँ रेडी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका स्वाद इस चूल्हा प्लस लाइफ में। तो आज की शेयरिंग होने वाली है मेकअप से रिलेटेड। तो देखिए कुछ इस तरीके से हैंड वॉश फेस वॉश हमने अच्छे से यहाँ पे कर लिया है, और कुछ इस तरीके से हमारी ड्रेस रहने वाली है। तो मेरे पास फ्रॉक सूट था लॉन्ग, तो वही मैंने यहाँ पे सूट लिया है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट मेकअप। तो बहुत ज़्यादा आइटम्स हम नहीं लगाएंगे, देख सकते हैं। सबसे पहले हमने अपने स्किन को मॉइस्चराइजर यहाँ पे कर लिया है, और अब हम लगाएंगे यहाँ पे फाउंडेशन। बस यही दो चीज़ों के साथ हमारा जो है मेकअप रहेगा। तो फाउंडेशन को अच्छे से जो है यहाँ पे मॉइस्चराइजर के साथ मिक्स कर लेना है, ताकि जो हमारा जो फाउंडेशन है वो स्किन को जो है ड्राई ना करे। और मोस्टली जैसे कि जब ठंडे का समय रहता है, तो इस समय इस तरीके से आप अपना लुक जो है क्रिएट कर सकते हैं। और अगर आप गर्म इलाके में रहते हैं, गर्म जगह है, तो यहाँ पर मॉइस्चराइजर आपको बहुत ज़्यादा नहीं लेना है। चलिए तो अच्छे से हमने अप्लाई कर लिया है हाथों को टैप करते हुए। अब आगे बढ़ेंगे, और यहाँ पे हमने आँखों में जो है काजल लगा लिया है, और इस तरीके से अब हम लगाएंगे लिपस्टिक। तो लिपस्टिक लगाने से पहले हमें लिप लाइनर अप्लाई करना है, जिससे हमारे अच्छे से लाइन जो है बन जाए। तो देखिए अपने सेट कपड़ों के सेट से मैच करते हुए लिपस्टिक हमने यहाँ पर लगा लेनी है। तो मैंने रैनी की लिपस्टिक यहाँ पे ली हुई है, जो 5 शेड्स में आती है, और अलग अलग कलर इसमें हमें मिल जाते हैं, तो काफ़ी बढ़िया रहती है लगाने के लिए। तो चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट। तो यहाँ पे हमने अपने पलकों में जो है मस्कारा जो है लगाया हुआ है। तो क्या होता है मोस्टली जैसे हम पार्लर वगैरह में जाते हैं, तो बहुत सारे मेकअप प्रोडक्ट हम यहाँ पर यूज़ करते हैं, घर में भी हमारे पास पॉसिबल नहीं होता है। ये देखिए आगे, तो अब हम यहाँ पे दुपट्टे का लुक क्रिएट करते हैं। दुपट्टे के लिए देख सकते हैं मैंने बीचों बीच में पिन इसको यहाँ पे लगा लिए दोनों साइड से बराबर, और इसको अब हम कोट स्टाइल में पहन लेंगे। तो इस तरीके से देखिए हमने पहन लिया है। और अब आती है बारी बिंदी की। तो बिंदी के लिए देखिए इस तरीके से यहाँ पर थोड़ा सा मैंने यहाँ पर जो है अलग अलग इस तरीके से डिज़ाइन यहाँ पर बिंदी को लिया हुआ है। बीच में थोड़ी सी बड़ी बिंदी है, और उसके चारों ओर छोटी छोटी मैंने बिंदी लगाई यहाँ पर है, जिससे थोड़ा सा यहाँ पर गुजराती लुक हमें मिल सके। तो अब बारी आती है यहाँ पे आईलाइनर की। तो इस तरीके से आईलाइनर हमें लगा लेना है, और आँख को अच्छे से सुखा लेना है। वैसे तो अगर आप बात करें मेकअप की, तो काफ़ी सारे प्रोडक्ट आजकल लोग फेस पे जो है अप्लाई करते हैं, बट डेली लाइफ में हम लोगों के पास इतना ना टाइम होता है लगाने के लिए, और ना इतना सारा सामान जो है मेकअप का जो है रखते हैं, क्योंकि सामान भी काफ़ी कॉस्टली होता है, और कुछ समय बाद वो एक्सपायरी हो जाता है बिना यूज के। शायद आपके साथ भी ऐसा ही होता होगा, मेरे साथ तो कुछ ऐसा ही होता है। सामान अगर सपोज़ मैं ले भी लूँ, तो रखा रखा ही वो ख़राब हो जाता है, तो इसीलिए मैं ज़्यादा सामान मेकअप का लेना प्रेफर नहीं करती हूँ। तो फाउंडेशन रहता है, जब भी कहीं जाना हो तो हम फाउंडेशन लगाते हैं, और इस तरीके से फेस पाउडर लगाते हैं। फेस पाउडर मुझे पहले लगाना चाहिए था, थोड़ी सी यहाँ पर मिस्टेक मुझसे हो गई। तो आप अगर लगाएंगे तो पहले आप फेस पाउडर लगाइएगा। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पर आइज़ के दोनों साइड मैंने डॉट बना लिए हैं, और इस तरीके से सेट यहाँ पर मेरे पास पड़ा हुआ था, तो यहाँ पर सेट मैंने पहन लिया है। और अब आ रही है मांगटी का की, जो सबसे टफ काम होता है। तो ये देखिए सबसे इससे पहले मैंने यहाँ पे अपनी मांग फिल कर ली है, और अब हम लगाएंगे यहाँ पे मांगटी का। तो जिसके देखिए तो अच्छे से यहाँ पे पिनअप लगाना होता है, तो काफ़ी टफ टास्क होता है, काफ़ी मेहनत इसको लगती है। कई बार पहले लगाया था नीचे लंबा हो गया था, और इसके बाद मैंने दोबारा से इसको अच्छे से जो है स्टक किया। तो ये देखिए कुछ गुजराती स्टाइल की नोज पिन यहाँ पे मैंने खरीदी हुई है, जो मुझे मिली थी 32 रुपीज़ की। तो इस तरीके से चूड़ियों के साथ, और एक हाथ में वॉच के साथ, क्योंकि बिना वॉच के तो काम चल नहीं पाता। तो तैयार है स्कूल के लिए जो है गरबा डांस के लिए गुजराती लुक। तो इस तरीके से साड़ी का किनारा था मेरे पास, ब्लाउज के साथ जो आता है, तो उसको निकाल के मैंने यहाँ पे बेल्ट जो है लगा ली है। तो इस तरीके से घर पर बहुत कम सामान के साथ तैयार है मेरा गरबा के लिए लुक। तो आई होप आप लोगों को